बरगढ़ सहर विजु पट्टनायक टाउन हॉल रे रविवार बरगढ़ कला कल्पना अनुष्ठान पक्ष दशम सर्वभारतीय चित्रकला प्रदर्शनी अनुष्ठित हो जाएगी। ए प्रदर्शनी को बरगढ़ विधायक देवेश आचार्य उद्घाटन करते शिशु और युवा चित्रकर मानू मुख्य स्रोत में सामिल करने नुआ चित्रशिल्पी नुआ प्लाटफर्म सुजोग देवा सर्वभारतीय चित्रकला प्रदर्शनी मेलार मुख्य लक्ष्य। यह मेलार देशर विभिन्न अंचल 152 चित्रकला प्रदर्शनी स्टल करा सेपरी अनुष्ठान पक्षर यह समस्त चित्रशिल्पी मानक संवर्धना ज्ञापन करा एग्जीबिशनटा 10 वर्ष है आम यह निर्वचन भाव कर यार मूल उद्देश्य है जे आम शिशु चित्रशिल्पी एवं युव चित्रशिल्पी मानू चित्रकलार मुख्य स्रोत आम ने चाहूँ एवं सारा ओडिशा कहीं सारा भारत वर्ष जो चित्रशिल्पी अच्छा से मैंने यही प्रदर्शनी मध्यम से मैंने निजर सुजोग सृष्टि कर पार्टी जेन ऑल इंडिया आर्ट एग्जीबिशन जेन कला कल्पना जेन आयोजन करें आज्ञा ये बहुत ही स्वागतजन्य पदपेक्ष बरगढ़ बरगढ़ बागी जगार आज भारत सारा सबू राज्यर आर ओडिशा सबू जिलूर आर कोनी कोनी छुआ मानकर बड़ आर्टिस्ट लवर मान समस्त डाकिकी एत सुंदर एग्जीबिशन करवाटे बरगढ़ बागी जगार ये बरगढ़ साधारण समस्त लगी गोटे सौभाग्य जिनस है। राफेल डील प्रसंग को नहीं गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी टार्गेट भुवनेश्वर आसी गुजरात मुख्यमंत्री राज्य कार्यालय करवादिक सम्मेलन राफेल प्रसंग में चर्चा करने कांग्रेस नेता को आह्वान देते रूपाणी एथस कांग्रेस सभापति राहुल गांधी को करते टार्गेट राजनैतिक फायदा राहुल मिछ कहते से कहते राफेल डील नहीं कौन सन्देह ना ता सुप्रीमकोर्ट प्रमाण देते गुजरात मुख्यमंत्री कहते कि चौकीदार चोर चोर बोली जिते कहले भी लोके आ शुणे ना कांग्रेस दल हिसाब से देश चलो ना। राफेल पर जिस तरीके से कांग्रेस ने झूठा एलिगेशन लगाया था और सर्वोच्च अदालत के फैसले से यह साबित हो गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी। सबसे पहले सर्वोच्च अदालत का फैसला का हम स्वागत करते हैं और सत्य की जीत हुई है और झूठ की हार हुई है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से यह साबित हुआ है कि राफेल डील में कोई अनियमितता नहीं थी और उच्चतम न्यायालय का फैसला निर्णायक है और सौदे के बारे में किसी संदेह की गुंजाइश भी नहीं हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के तत्कालीन फायदे के लिए झूठ का सहारा लिया था और एक नई राजनीति की शुरुआत झूठ की राजनीति उन्होंने प्रस्तापित की है। राहुल गांधी को भी अपना जानबूझकर झूठ की राजनीति करने के लिए अब जनता के सामने वो खुला हो गया, इसलिए उनको भी पद छोड़ देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी की तरह देश नहीं चल सकता। आज कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़ा कर रही है। यदि कांग्रेस पार्टी के पास तथ्य थे तो फिर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में जाने से कौन रोक रहा था। हम कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देते हैं कि वे सदन में इस मुद्दे की चर्चा करें और सदन में चर्चा होगी तो देश की जनता को भी मालूम पड़ेगा आखिर कांग्रेस पार्टी चर्चा से क्यों भाग रही है।